क्या मधु? मैं भी अकेली गाड़ी लेके जाऊँ। लाइसेंस बनवाया नहीं है, अकेले ले जाऊंगी गाड़ी। नहीं, अगर आपके साथ अगर ब्लॉग बनाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? कंटेंट नहीं, करंट मिलेगा। इस ट्रिप के बाद मेरे डिवोर्स दे देना। बीट मिस्टर डाडा हो जो, कतई डाडा हो जो भाई, मैचिंग डाडा हो जो। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। फाइनली बहुत ही दिनों बाद, बहुत डांट सुनने के बाद, गालियां सुनने के बाद, फाइनली हम अपनी बीवियों को भी साथ लेके चल रहे हैं। खाने का कुछ दिन के बाद मेरे डिवोर्स दे देना था। धमकियां मिलने लग पड़ी थी तो मेरे को बोलना पड़ा चलने के लिए। आज खाने को कुछ नहीं मिला, हमें चिप्स लिए खाने के लिए। दो भाई आज सिर्फ चिप्स पे जिंदा है। अभी इसकी बीवी आई नहीं है, वो आती है तो मिलवाते हैं उससे भी आपको। और ये अत्याचारी पति देखो, मैं इसके घर के साथ में खड़ा था बिल्कुल, इसने मेरे को बोला कि आगे चल, मैं गाड़ी आगे लगा, आगे लगाने को बोला गाड़ी मेरे को। अगर आप इतनी दूर आ गए, उससे चला थोड़ी सा इतनी दूर। ओहो ओहो, मैं तो भूल गया। वेरी सैड, चले हम लेके आओ, तू जा फिर, मैं उसको लेके आ। तो आज रविवार नहीं है, आज है वीरवार, शुक्रवार है। शुक्रवार है भाई साहब, दिनों का ही नहीं पता है। कितनी दूर लगा दी। तेरे पति का अत्याचार है, यार पता है मेरी टांग टूटी हुई है। बताओ, टूटी टांग वाली बीवी पे अत्याचार, घर से 50 मीटर आगे गाड़ी लगवाई गई है। ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं आशीष की बीवी को, नितिका, और वो है मधु, और वो है रुद्राक्ष, और मैं तो पता ही है आपको, मैं वो ही जो बहुत बक 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 करता है, और मैं जो हमेशा शांत है। चलो चलते हैं यहाँ से, आज मैक्लोडगंज जा रहे हैं। दिन में ऐसे ही प्लान बन गया आज जाने का, तो वो आपको दिखाते हैं मैक्लोडगंज की वादी। मैक्लोडगंज की वादी चिप्स के साथ। मेरी टांग ठीक ही है, क्या बोलूं मैं, ना खराब है ना ठीक है, मतलब चल रहा है काम, चल रहा है काम, बस भागने को ना। ऑपरेशन नहीं कराएगा मैं, ना ना, मैं झुकेगा नहीं, ऑपरेशन नहीं कराएगा भैया। कांगड़ा में भी गर्मी हो रही है आज, 30 डिग्रीज हो रहा है, और अभी डलहौजी से आया हूँ मैं 5 डिग्री से। प्रो गिम्बल टिप्स चाहिए मेरे को, क्योंकि अपना गिम्बल पलटाया रहता है। अब हमारे मुंह पे इतना फोकस मत करो, हमारा मुंह ही मुंह दिखता है बस, फिर दूर से हाँ ये सही है, दिस इज द राइट। भाई ऑटो वाले को मत उड़ा दियो। इसे कैसे तो मेरा फोन आया ना, मैं समझ गई थी मेरे से तो क्या ही बात करनी है इनके बारे में। मैंने कहा भाई ठीक है, मेरे मोमोज मुझे कैंसिल लग रहे हैं। अच्छा मैं तो एक चीज बताना भाई, जब मैं इसको फोन करता हूँ और ये फोन ना उठाता तो ये बंदा क्या कर रहा होता है? सो रहे होते हैं मैक्सिमम टाइम, उसी टाइम समझ लो कि फोन चार्जिंग पे लगा। मुझे तो लगता है ये बंदा घर छोड़ के भाग गया। भागने लायक है नहीं आजकल ना, और यहाँ और आजकल नहीं भाग सकता हूँ मैं, हम भागे हुए आज घर से। अबे मेरे चेहरे पे काहे फोकस कर रहे हो, और भी लोग हैं गाड़ी में, हम तो कैमरामैन हैं, तो रास्ता दिखाओ यार, हमें दिखा क्या करोगे। लास्ट लोग बड़ा सही बना, कल कुछ नहीं करना, कल फोन पकड़ने ना सबके, माइल राइडर उठाना और खुद ही कर देना, जैसे मैं अपने कस्टमर्स के साथ कर रहा हूँ। हाँ, वो बेस्ट क्या समझाना किसी को, कर देना कोई करे ना, अपने आप ही आएगा कभी। और क्या करे, जबरदस्ती सब्सक्राइब कराते हैं पकड़ के लोगों को, और क्या कर सकते हैं। इनके जो कपड़े ऊपर ऊपर रहेंगे, दो तीन टी शर्ट या दो तीन स्वेटशर्ट, बस वही लॉन्डे ऐसे ही होते हैं, सब लॉन्डे ऐसे ही होते हैं भाई। आज हम चुप है, आज हम कुछ लाभ सकते, मौका दिया आज हमने, मौका ही दिया, और क्या लेके जा रहे हैं। हमारी लोग बातें सुनते, शक्ल नहीं देखते हमारी। नहीं, अगर आपके साथ अगर ब्लॉग बनाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? कंटेंट नहीं, करंट मिलेगा। ये है जी, कौन सा रोड है ये? स्को के मोड़ों पे। स्को के मोड़ों पे अगेन एक और फनी नाम, माइल राइडर्स निकल गए दोबारा, थोड़ी और माइल्स नापने। भाई माइल नापने का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, खर्चा पूरा करो। तीन मोटे हाथी घूमने चले, नितिका तो पतली है, मकड़ी 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 के जाल में जाके जा फंसे। भाई कुछ और आया ना आयो, माँ बाप बच के राइम जरूर आ जाती है पूरी। मैं जब रुद्राक्ष भी 1.5 साल का था, जब इसने राइम देने शुरू किया, तो मैं ऑफिस से आता था अपने, तो मैं मेरे ख्याल 1.5 घंटे का 2 घंटे का रास्ते में राइम गाता गाता ही आता था। YouTube पे भी जहर कर देता है, तो साले तुम यही देखो। खुद की कुछ नहीं
देखोगे तुम राइम सुनोगे। तीन मोटे हाथी घूमने चले मकड़ी के जाल में जाके वापस एंगल। भाई साहब अपने को मजा ही वैसे आता है गाड़ी चलाने में, लेट के तुम आगे हेलो मंकी मंकीज हेलो मंकी। मैं ज्यादा नहीं खाता मैं भैया, गोलगप्पा ब्रेक लिया हमने। हाँ हाँ बोल, मैं खाता हूँ कम खाता हूँ। गोलगप्पे वाली जगह से शानदार व्यू आ रहा है यहाँ से, बढ़िया वाला एकदम। यहाँ से भी खुलादार बढ़िया दिखते हैं। क्या मधु, मैं भी अकेली गाड़ी ले जाऊँ। लाइसेंस बनवाया नहीं है, अकेले ले जाऊंगी गाड़ी। ठीक है ओके। नगर निगम धर्मशाला में आप सबका स्वागत है। अंकल पेंट कर रहे हैं मस्त जुगाड़ लगा के। इधर भी मस्त मस्त ये सफेद सफेद फूल वाले पेड़ है मस्त एकदम बढ़िया। ये कौन सा रास्ता है? चील गाड़ी, गाड़ी। पतला रास्ता है पर बड़ा सीनिक है ये, पाइन ट्रीज के बीच में से। मेरे को तेरा नैनो वाला कट नहीं भूलता कभी, जो लारा भाई के साथ हम जा रहे थे। कट तो तूने मस्त लिया था, सरदार थी कैसे ऐसी कर दी थी आगे वाले। लारा जी वाला कट याद है? लारा भाई वाला कट तो भाई साहब चिक्के निकल गई थी नीचे उतर के, नीचे उतर के देखा भाई खाई इतनी गहरी। लारा भाई तो उतरी पे परवाही दिया था ऑलमोस्ट। नई नई गाड़ी चलाना सीखी उन्होंने भी। नैनो में नहीं गए थे, वो ऑप्ट्रा थी गाड़ी ब्लैक कलर की ना, उनके भाई की गाड़ी थी जाए। अरे जिसमें हम शादी करके लाए थे, मेरे पास गाड़ी थी कदम तेरी। यहाँ पे एक बड़ा तगड़ा रिजॉर्ट है यार, किसी ने आना हो धर्मशाला तो रुके वहाँ पे अदिवाहा। अभी बने ही नहीं है यार वो, तो जब बने ही नहीं है तो कैसे प्रमोशन कर दे उसकी, जब बनेगा तब करें। अभी अदिवाहा भाई, अभी अदिवाहा आए यार। अदिवाहा वाले ने पैसे दिए? नहीं दिए पैसे तो हमें किसी ने ना दिए, अभी हम फ्री प्रमोशन कर रहे हैं सब, कबाद में पैसे लेंगे सबसे किसी टाइम पे हम, जब हमारे इक्के दुक्के सब्सक्राइबर थे तब हम तुम्हारी प्रमोशन किए थे किए थे। अब हम पैसे लेके तुम्हारी प्रमोशन कर रहे हैं। अब हमारे इक्के दुक्के ट्रिलियन है। डोलाधार पे मस्त बादल आ रखे हैं और नीचे हो रहा है 28-30 डिग्री टेम्परेचर, पर जैसे मंगलोटगंज हम चढ़ेंगे ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। मैक्सिमस मॉल के बाहर निकलेंगे ना, ये देख लो ये धर्मशाला का मैक्सिमस मॉल जहाँ पे KFC। भाई ने जुगाड़ करके रखा हुआ है, लिखा है पंक्चर ऑल टायर, सारे टायर पंक्चर करेगा, ये लगाएगा बाद में पंक्चर करेगा पहले ये। अच्छा इस रास्ते को कोई नहीं पूछता ना, रास्ता था भी नहीं, था ही नहीं पहले, बाद में बना क्योंकि कंजेस्टेड हो गया था जब वो वाला धर्मशाला कोतवाली बाजार का। वो देखो रेड कलर का, और जब लास्ट टाइम बारिश हुई थी तो ये सब नीचे आ गया था यहाँ से। नितिन का ये बैठा होगा तभी बात कर रहा है, क्योंकि ना मैं बैठा हूँ ना तो ना तुम बैठे हो, कोई भी नहीं बैठा है, कोई भी नहीं बैठा, ये बैठा है तो समझ जाओ मजा आता है यहाँ पे। तो ये होगा किसी के साथ, किसी सहेली के साथ अपने। भाई क्या बोलना चाहेगा शरीफ, ये बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा आदमी है ये। हम दिखते हैं हरामी टाइप के पर है बहुत स्वामी टाइप के। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये दिखते चालू टाइप के और है नहीं चालू टाइप के। चल अरे क्या मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब सीनरी के बीच में से जा रहे हैं हम, मस्त बढ़िया लग रहा है। ये दिखता स्वामी टाइप का है हरामी टाइप का। मेरे केस में बोल सकते तुम ऐसे? ओ भाई भाई मस्त लग रहा है, लग रहा है पेड़ों की टनल के बीच में से जा रहा हूं मैं, देवदार के पेड़ों की टनल। ऊपर वाले रास्ते से जाते तो और भी सेक्सी रास्ता। एक बार गए तो से मैं और तू रात को गए थे याद है? ये भाई साहब पूरे देवदार के पेड़, ये मस्त है। यहाँ पे तो मैं तो हैवी स्नोफॉल हो रहा था पिछली बार जब हम आए थे। तो गाड़ी पार्किंग में लगा के हम लोग निकल गए मैक्लोडगंज की मार्केट एक्सप्लोर करने, और आप यकीन मानिए मैक्लोडगंज की मार्केट में आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको नॉर्मल बाजारों, नॉर्मल शहरों के जो भी बाजार होते हैं उनकी मार्केट्स में नहीं मिल पाएंगी। बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, और अगर आप अच्छी बार्गेनिंग कर लेते हैं तो आपको अच्छे रेट में चीज़ें मिल जाएंगी। और आप ये साइड में जो देख रहे हैं ये है धर्मशाला स्काईवे, जो अभी अभी रोप वे बना है फ्रॉम धर्मशाला टू मैक्लोडगंज। अगर आपको यहाँ से ट्रैवल कर रहा है तो आपको पर पर्सन 500 रुपीज़ राउंड ट्रिप का पे करना पड़ेगा फ्रॉम धर्मशाला टू मैक्लोडगंज एंड फ्रॉम मैक्लोडगंज टू धर्मशाला। एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है मैक्लोडगंज ट्रैवल करने का अगर आपको ट्रैफिक से बचना है तो। पीक सीजन में अगर आप आते हैं तो इतना ट्रैफिक मिलेगा आपको कि आप मैक्लोडगंज पहुंचने में ही पसीने छूट जाएंगे आपके, तो रोप वे लेना बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। भाई तुझे लग रहा है हम यहाँ पर व्लॉग बनाने आए हैं, लग रहा है हम शॉपिंग कर रहे हैं, तो वीडियो के साथ तो यही होगा। रुको एक मिनट, वो देख लो भाई
लेडीज आर शॉपिंग, लेडीज आर शॉपिंग, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कितने सालों बाद पैदल चले होंगे ऐसे हम, हैं? मतलब मेरे ख्याल कॉलेज भी क्या, स्कूल टाइम के बाद। मक्लोडगंज के बहुत ही कम एक्सप्लोर्ड एरियाज, यहाँ पे होटल जी हैं बस और कुछ नहीं है इस वाली गली में। प्रशांति है, मतलब नीचे भगदड़ से, उस वजह से अच्छा है। हम क्यों आए थे यहाँ? हम दवाई की खोज में आए थे, एक मेडिसिन की खोज में, जो हमें मिली नहीं, संडे को मिलेगी, तो तब फिर आएंगे। मीट मिस्टर डाडा हो जो, बोथ साइड है, डाडा हो जो फ्रॉम बोथ साइड्स, कतई डाडा हो जो भाई, मैचिंग डाडा हो जो। ये है जी मेन मार्केट मक्लोडगंज की, ये चल चल के हालत ख़राब हो गई, मैं शूट भी नहीं कर पा रहा, थक जा रहा हूँ मैं। ये मोनेस्ट्री है, अगर दलाई लामा का तो जो मंदिर है टेंपल, वो तो नहीं दिखा पाएंगे अभी क्योंकि चलना पड़ेगा उसमें ज़्यादा, और मैं चल नहीं पाऊँगा इतना। दे हुए कितने हुए क्या पैसे दे? अब आप इंजॉय कीजिए मक्लोडगंज की मार्केट के कुछ खूबसूरत सिनेमैटिक शॉट्स। लव बर्ड्स, तो भाई साहब ये गोंडोला और ये सनसेट, शाम को तो मतलब जबरदस्ती मजा आ जाएगा यहाँ पे, पर अभी हमें जल्दी है, तुम जा रहे हैं फिर किसी दिन आके शूट करेंगे, तो लाजवाब सनसेट दिखोगा यहाँ से, और गोंडोला ऊपर से और बढ़िया लग रहा है। भाई साहब ये है खड़ा डंडा रास्ता, इसका नाम खड़ा डंडा है भाई दबे रास्ते का, क्योंकि एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है, ये काफी ज्यादा स्टीप है ये, हम खड़ा डंडा को खड़ा उतर रहे हैं, उतर रहे हैं इस टाइम पे हम मस्त। और ये मेरा साथ वाला जो शूट कर रहा है वीडियो, काफी नूब आदमी है, इससे नहीं कंट्रोल होता है गिम्बल, भाई तू स्लो चला, आंटी को ना उड़ा दियो, मैं ना उड़ाता, ये देख लो भाई साहब, भाई तू कंट्रोल ही देख, गलत जगह पे फंस गया ना, सेंटीमीटर के उससे निकला है ये भाई। यहाँ पे लिटराटी कैफे भी आता है ना, नीचे रह गया, काफी पॉपुलर है वो डॉगी, देख उसको जरा, कहाँ चाहिए भाई, कहाँ लोगे तुम, क्या लेके मानोगे, वो उसको ऐसे लग रहा है दिखाई नहीं दे रही। भाई साहब कितने तीखे मोड़ है यार, एकदम वो देखो फंस गया, इससे अच्छा तो हाथ तो डीप काट रहे हैं, वो काट ही गलत रहा है, काट ही गलत रहा है, वो ऐसे कटेगी नहीं गाड़ी उसकी, इंटेलिजेंट एक और देख लो यार, जबरदस्त ऑरेंज ऑरेंज ग्लेयर पहाड़ों के ऊपर, सूरज की जाती हुई किरणें भाई, ये बात तो सही है कि सनसेट बहुत मस्त लगता है यार। हाँ, पहाड़ों की जो लास्ट वाली रेज होती है ना, कलर चेंज हो जाता है पूरा, और जब स्नो पड़ी हो तो और जबरदस्त हो जाता है, मस्त यार। ये हॉस्पिटल है जी धर्मशाला का, यहाँ से इसकी वाइफ ने नितिका ने ट्रेनिंग कम्प्लीट करी है अपनी, 3 सालों के लिए मेरा घर था। ये भी देख लो यार, कतई स्टीप उतराई है ये, मेरे को लगता है कैमरे में ना पता नहीं लगता है उतना, और शीशा हमारा गंदा हो रहा है, सॉरी वो फ्लूइड खत्म हो गया है उसका, वाइपर का साफ नहीं कर पा रहे हम, इसी से काम चलाना पड़ेगा। अभी हम पीने वाले मस्त वाली चाय, अभी आगे एक मोड़ आएगा वहाँ पे, कैंची मोड़, जो डीप कट होता है ना वहाँ, उसको कैंची मोड़ बोलते हैं यहाँ पे। और पहाड़ देख लो यार, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा अभी, रुक जा, आओ भाई चाय पी, चीयर्स। 2-3 व्लॉग्स पहले, दो तीन नहीं, पिछले ही व्लॉग में पीछे बोर्ड था इलव धर्मशाला का, जो अब नहीं है, जो कुछ मतलब चीजें बनती बाद में टूट पहले जाती है। भाई अपनी जगहों की केयर करना सीखो, और अच्छी जगहें अच्छी चीजों पे अच्छी लगती है। बट दिस गाय इज चमनलाल। हेलो, तो भाई साहब अब हम आए खाने मोमोज, जिनको कहते हैं रियल मोमोज। हाँ, ये हैं बढ़िया वाले, सही वाले मोमोज। कहाँ पे हम अभी? ताड़ी, ताड़ी है ना ये, गुरलू।
हाँ, घर पहुँचते पहुँचते हो गए हम काफी लेट। करण भाई मेरा हो गया, बैटरी डाउन हो गई है मेरी, तो बैटरी खैर सभी की डाउन है। चले बहुत। हाँ, मैं टूटी टांग में चलाऊँ नीति का भी। हाँ। एक लोग बच्चे उठा के चले। तो यार ये ब्लॉग का हम एंड यहीं पे कर रहे हैं। जितना हो पाया आज हमने शूट किया, काफी फन डे था। बहुत ज्यादा घूमे नहीं, शॉपिंग करी नहीं। तो यार आपको अगर ये वाला व्लॉग पसंद आए तो यार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आप नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती है। हाँ, तो अभी फिलहाल माइल राइडर्स साइनिंग ऑफ फ्रॉम कांगड़ा। अडियोस अमिगोस, टाटा बाय बाय। टाटा हो जाओ, टाटा हो जाओ, बाय।